छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में नक्सलियों का राज चलता है। यहाँ ना कोई प्रशासन, ना पुलिस, ना कोई सुरक्षा बल पहुँच पाता है। ऐसे में कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर इन जंगलों में नौकरी करना चाहता है तो उसे रंगदारी के तौर पर नक्सलवादियों को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देना पड़ता है। एक आंकड़े के मुताबिक नक्सलवादियों का रंगदारी से एक साल में करीब 1500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। यानी नक्सलवाद अब विचारधारा से हटकर एक धंधा बन गया है, रंगदारी का धंधा। दूसरा दिन, जगह जगदलपुर का जंगल, वक्त 8:20। नक्सलियों की तलाश में दूसरे दिन हमने शुरुआत की बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर से। यहां हमें नक्सलियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने की उम्मीद थी। हमारी मुलाकात एक पुरुष और एक महिला से हुई जो कई साल तक नक्सली रहे थे। जगदलपुर के शहीदी पार्क के माली रमेश उर्फ बदरन्ना ने साल 2000 में सरेंडर कर दिया था। बस्तर के झारपल्ली गांव के आदिवासी बदरन्ना को हथियार देकर पटवारी, जंगल के गार्ड और दारोगा की पिटाई का जिम्मा सौंपा जाता था। बाद में वो कमांडर बन गए और 6 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें 19 पुलिस वालों की हत्या भी शामिल है। दूसरा दिन, जगह जगदलपुर, वक्त 9:35। बदरन्ना और उनकी पत्नी लता ने एक बार फिर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। दोनों ने पुनर्वास के सरकारी वायदे पर सरेंडर कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा। वायदे के मुताबिक नौकरी देने में सरकार ने 8 साल लगा दिए। 2008 में बदरन्ना को जगदलपुर में माली की नौकरी मिली। वो बताते हैं कि जंगल में नक्सली हर मामले में सुरक्षा बलों से ज्यादा ताकतवर हैं। को सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति एक ही काम करने का नहीं, एक ही चीज सीखना नहीं, वो व्यक्ति हर चीज को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर ही काम सीखना है या सरकार गवर्नमेंट टाइप का नहीं, वो एक व्यक्ति बंदूक से लेकर बर्द तक पूरा कंटिन्यू वो सीखना है। नक्सलियों के बारे में बदरन्ना कुछ बेहद चौंकाने वाली हकीकत बताते हैं। बिना मोबाइल टावर के नक्सलियों का मजबूत सूचना तंत्र और हर उम्र के लोग अब नक्सलियों की बड़ी फौज का हिस्सा हैं। अभी घर घर में नक्सली है, एक नहीं दो नहीं, उंगली में नहीं गिनना, हजारों में गिनते जाओ। घर घर में नक्सलाइट, एक जन महिला संगम में रहेगा, लेडीज आई तो, बच्चा आई तो बालाल संगम में रहेगा, बड़े आई तो वो रहेगा तो DAKMS में रहेगा, एक जन सहकार संगम में रहेगा, बुजुर्ग आई तो बुजुर्ग लोग को भी संगठन है। ऐसी हो के माने घर घर में संगठन है, घर घर में नक्सली है, इसीलिए खुफिया तंत्र इतना मजबूत है। खुफिया तंत्र को सरकार सोचती कि इनका मजबूत खुफिया तंत्र बोलने से खुफिया तंत्र कहाँ नहीं है, घर घर में नक्सलाइट है, वही खुफिया तंत्र है। बदरन्ना की पत्नी सुजाता उर्फ लता भी 7 साल तक नक्सली कमांडर थी, लेकिन बाद में सरेंडर करके वो छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गई। जगदलपुर के SP के दफ्तर में उन्हें साफ सफाई का काम मिला है। बदरन्ना और लता की शादी भी नक्सली ऑपरेशन के दौरान जंगल में ही हुई। तो अभी तो ज्यादा है लड़की में, अभी तो बहुत ज्यादा है गैंग में, एक एक गैंग में। पहले कम थे, हम लोग रहते समय ना एक गैंग में 3 जन 4 जन ऐसी थे, तो बराबर रहते थे, जेंट्स लोग लेडीज बराबर, जिनका काम बांट देते तो वो काम पूरा करना है। पूर्व नक्सली कमांडरों से कुछ देर की बातचीत के बाद हमें खबर मिली कि जगदलपुर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां नक्सलियों का ग्रुप हो सकता है। हम फौरन जंगल के बीचों बीच बसे गुमलवाड़ा गांव की ओर रवाना हुए। दूसरा दिन, जगह जगदलपुर, गुमलवाड़ा गांव, वक्त 10:20। जगदलपुर हेडक्वार्टर से करीब 60 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच पहाड़ी पर बसे गुमलवाड़ा गांव तक का सफर बेहद खतरनाक है। यहां किसी भी जगह लैंडमाइन हो सकती है। घने जंगलों से गुजरते वक्त हमारे ड्राइवर ने भी
अंदर जाने से मना कर दिया। उसने हमसे कहा कि हम अगर चाहें तो उसकी कार ले लें। वो गाड़ी से उतर रहा है और साइकिल लेकर वापस चला जाएगा। इतना घबराया हुआ था वो, क्योंकि गाड़ी देखकर नक्सली हमला कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ड्राइवर मान गया। कितने दूर है? सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने बताया कि जंगलों के पास वाले जगदलपुर के कई गांव में अक्सर नक्सलियों के झुंड आते हैं। उनके डर से गांव के लोग बाहरी लोगों से कम ही घुलते मिलते हैं। राम राम। राम राम। यहां हमें एक पढ़ा लिखा लड़का राम सिंह मिला, जो हिंदी भी जानता था। हमने बताया कि हम एक न्यूज चैनल से हैं, तो उसने गांव वालों के रहन सहन का वीडियो शूट करने की इजाजत दे दी। मई के आखिरी हफ्ते में आम का त्योहार मनाया जा रहा था। खास खाना बन रहा है, रिश्तेदारों को भी बुलाया गया है, लेकिन इनके पकवान हैरान करने वाले हैं। नमक के साथ चावल ही इनके लिए खास खाना है। आदिवासियों की जिंदगी के अंदर झांकने के बाद हमने राम सिंह से नक्सलियों के बारे में पूछा तो वो घबरा गया। उसने सवाल को टाल दिया। नहीं पता। और हमें एक बार फिर जंगलों का रुख करना पड़ा। दूसरा दिन, जगह जगदलपुर, वक्त सुबह 11:05। जंगल में करीब 4 किलोमीटर तक हमने नक्सलियों की तलाश की। करीब 1.5 घंटे तक जंगल के कई कोनों की खाक छानने के बावजूद कहीं नक्सली नजर नहीं आए। लेकिन इसी बीच एक खबर ने हमें चौंका दिया। मीडिया के सूत्रों से मालूम हुआ कि जगदलपुर से 280 किलोमीटर दूर राजनंद गांव में नक्सलियों के ग्रुप की खबर मिली है। इसके बाद हम फौरन ITBP के कैंप में पहुंचे। ऐसा लगा कि नक्सलियों की तलाश बस पूरी होने वाली है। दूसरा दिन, जगह राजनंद गांव, ITBP कैंप, वक्त 2:30। खबर पक्की थी। सुरक्षा बलों को नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए भेजने से पहले ब्रीफिंग दी जा रही थी। 10 से 15 नक्सली जो कि ट्रिपल K दल के हैं, उन्हें इलाका मरका कसा और बीजे पार के बीच में देखा गया है। करीब 20 जवानों की एक टुकड़ी ने हथियारों को चेक किया। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की तलाश में निकल पड़े। इंडिया TV की टीम भी ITBP के साथ राजनंद गांव के जंगलों की ओर चलने लगी। तीसरी रात, जगह राजनंद गांव का छुरिया इलाका, वक्त रात 8:25। आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को खास एहतियात बरतनी पड़ती है। एक तरफ तो गांव की आबादी के बीच में नक्सलवादी छुपे हो सकते हैं और वो घात लगाकर हमला भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों पर ये जिम्मेदारी भी होती है कि गांव वालों को ये एहसास ना हो कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। कुछ नक्सलियों के गाँव में छिपे होने की खबर के बाद जवान पैदल ही गश्त करने लगे। घने अंधेरे में भी जवान टॉर्च कम ही जलाते हैं, क्योंकि घात लगाए नक्सली उन पर हमला कर सकते हैं। इन्हीं हालात में जवानों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। करीब 3 किलोमीटर तक चलने के बाद ITBP को एक और खबर मिली। छुरिया के जंगलों में नक्सलियों के एक बड़े ग्रुप की हलचल देखी गई है। तीसरी रात, जगह राजनांद गांव का जंगल, वक्त रात 9:14। रात में सर्च ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों के पास होलोग्राफिक मशीन, नाइट विजन लाइट और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी वाली लाइट होती है, जिसे वो अपने हथियारों के ऊपर लगाकर जंगल में होने वाली हर हलचल पर नजर रखते हैं। अचानक एक जवान ने सबको अलर्ट कर दिया, सामने शायद किसी नक्सली की हलचल नजर आ रही है।
सर सामने के एक मूवमेंट हो रहा है सर। आईटीबीपी का एक जवान आगे बढ़ता है और वो अपने साथियों को पोजीशन लेने का इशारा करता है। एक ही पल में करीब 20 जवान हलचल वाली जगह को अपनी राइफल्स के निशाने पर ले लेते हैं। कुछ देर तक कोई हरकत नजर नहीं आई तो जवानों के साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। एक बार फिर कुछ हरकत नजर आई, इस बार जवानों ने पूरी तरह पोजीशन ले ली। बार बार किसी की मूवमेंट हो रही थी, जवानों ने इंफ्रारेड लाइट निकाली, सामने दो संदिग्ध लोग नजर आए। तीसरी रात जगह राजनाम गांव के जंगल, वक्त रात 10:56। आईटीबीपी को मालूम हुआ कि इंफ्रारेड लाइट में नजर आने वाले लोग जंगल से कुछ दूर बसे गांव के लोग हैं और वहां सुरक्षा बल के कुछ जवान भी गश्त लगा रहे हैं। इसके बाद आईटीबीपी के जवान नक्सलियों की तलाश में जंगल में दूसरी ओर बढ़ गए, लेकिन दोबारा नक्सलियों का कोई नया मूवमेंट नहीं नजर आया। पुख्ता खबर और जंगल में कुछ ही दूरी पर हलचल के बावजूद वो फरार हो चुके थे। इस बार भी उनका सूचना तंत्र ज्यादा तेज निकला। नक्सलवाद की जड़ क्या है, क्यों आदिवासी और गांव के लोग उनका समर्थन करते हैं, ये सवाल बड़ा जरूरी था। वहां के नौजवानों को सिखा पढ़ा करके उनके हाथ में कई बार हथियार देकर, हथियार मिलता तो उसको लगता है कि मैं जरा बलशाली हो गया, तो उनको अपमानित करना शुरू किया और धीरे धीरे उन संस्थाओं को उन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जिनका पूरा गांव सुनता था और फिर इनका एक क्षेत्र राज हो गया। नागर क्या वजह है कि आज तक बस्तर से नक्सली खत्म नहीं किए जा सके? बस्तर के घने जंगल, गाँव वालों का डर या गाँव वालों का लालच? हमने मुलाकात की दिनकर राव भाखरे से, नक्सलवादियों की समझ रखने वाले एक और जानकार। आप उनकी सप्लाई लाइन नहीं काट रहे हैं, पूरी की पूरी सप्लाई लाइन है उनकी, कहाँ से आ रही हैं राइफलें, कहाँ से आ रहे हैं रॉकेट लॉन्चर, कोई यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? कोई टोंगपाल में प्रोड्यूस हो रहा है, दरभंगा में प्रोड्यूस हो रहा है, तो सब बाहर जा रहा है। आप उसकी सप्लाई लाइन रोक नहीं सक रहे हैं। खतरनाक रूप से बढ़ रही लाल सलाम करने वाली ताकत, सरकार के खिलाफ समानांतर सत्ता, करोड़ों की रंगदारी, पुलिस, राजनेता और जनता का कत्लेआम, ये है उस नक्सली का चेहरा जो जनता पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ उन्हीं के बीच से उठकर गया था, लेकिन सबका दुश्मन बन बैठा है। 3 दिन 3 रात एक करने के बावजूद नक्सली सामने नहीं आए। हमारा दिल्ली वापसी का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन लौटते वक्त दिलो दिमाग में कई सवाल तस्वीर की तरह उभर कर सामने आने लगे। क्या 49 साल पुराना ये लाल खतरा हमेशा के लिए खत्म होगा? क्या राज्य और केंद्र सरकार की कमजोर कोशिशें इस समस्या को मिटाने के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगी? क्या वोट बैंक की सियासत से हटकर नक्सलवाद को राज्य और देश की समस्या मानकर ईमानदार प्रयास होंगे? फिलहाल हरे भरे जंगलों में नक्सली नफरत का ही कब्जा है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है।